जनता की चल रही है। जनता ने वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बहुत त्रस्त है। इनके क्रियाकलाप, इनके गतिविधियों और इनके द्वारा किए गए जो झूठे वादे थे, इससे जनता बहुत त्रस्त है और बहुत परेशान भी है। और वो 7 तारीख का इंतजार कर रही है कि जल्दी से 7 तारीख आवे और भारतीय जनता पार्टी का खदेड़ा हमला करे। उत्तर प्रदेश में हम लोग जो पूरे उत्तर प्रदेश में माहौल बना रखे हैं, और खास करके शिवपुर विधानसभा की अगर बात करते हैं, तो शिवपुर विधानसभा में जो भी यहाँ विधायक जीते थे, मंत्री भी बने हैं, बेचारे हैं वो, क्योंकि वो लोडर नेता हैं, और लोडर नेता हैं तो लोडर नेता का काम है कि इससे गुलामी करना। यहाँ किसी भी प्रकार का विकास नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी झूठे ही हल्फा मचा रही है कि बीजेपी ने अरविंद राजभर को चुनौती दे रखा है। चुनौती अरविंद राजभर को नहीं दे रखा है, जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को चुनौती दे रखा है। हम लोगों का साफ और सुथरी बात है कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की माहौल क्रिएट हुआ है, भय, भूख, भ्रष्टाचार, अपराध, बेरोजगारी चरम सीमा पर, अशिक्षा बढ़ता चला जा रहा है, अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है, अपराध बढ़ता चला जा रहा है, बच्चियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म हो रहे हैं, महिलाओं के साथ चीरहरण हो रहे हैं, बेरोजगार नौजवानों का रोजगार छीना जा रहा है, पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी नहीं मिल पा रहा है, इन सारी समस्याओं का आकलन उत्तर प्रदेश की जनता कर ली है और जनता ने मन मिजाज बना लिया है कि इस बार योगी जी को मठ में भेज देना। अरविंद जी, इस तरह के दावे और वादे तो पिछली सरकार ने भी किए, बहुत सारे वादे किए थे जिसकी वजह से जनता ने उनको चुना था, कहीं ऐसा ना हो कि आप भी जो दावा कर रहे हैं, जो वादा कर रहे हैं, ये भी जुमला निकल जाए। बर्तन वही खनकते हैं जो अक्सर टूटे होते हैं, और वादे वही करते हैं जो अक्सर झूठे होते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था और समाजवादी पार्टी गठबंधन ने घोषणा किया है। भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान में भी वादा किया है, उनका वादा पत्र है और हमारा घोषणा पत्र है। हमने घोषणा किया है कि जनता जन समर्थन दे, इस प्रकार से काम करने के लिए हम तैयार हैं। उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट निःशुल्क बिजली देने का हम लोगों ने संकल्प किया है। उत्तर प्रदेश के शिक्षा के व्यवहार में बदलाव लाने के लिए हम लोगों ने टारगेट किया है गांव के सरकारी विद्यालय को। इस सरकार में विद्यालयों का कायाकल्प हो जाना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी को नकल मारना चाहिए था। माननीय मुलायम सिंह यादव ने सही कहा था कि नकल मारो अकल आ जाएगी, और जब अकल आ जाएगी तो शकल भी बदल जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने नकल नहीं मारा, उसको अकल नहीं आई, इसीलिए उनका शकल नहीं बदल पाया। आज भारतीय जनता पार्टी को देख करके लोग उनका शकल बदलने के लिए तैयार हो गए हैं, कि शकल उनका बदलेगा तब जब उत्तर प्रदेश के सरकारी विद्यालयों का कायाकल्प होगा, स्मार्ट क्लास चलेंगे और हर जनपद में IAS PCS डॉक्टर मास्टर इंजीनियर कोचिंग सेंटर खोले जाएंगे, निःशुल्क बच्चे और बच्चियों की पढ़ाई होगी, गरीब अमीर का बेटा एक साथ पढ़ेगा, जातिगत जनगणना होगी, उत्तर प्रदेश में रोजगार का सृजन होगा, लघु और कुटीर उद्योग स्थापित किए जाएंगे, पढ़े लिखे नौजवानों को 34 लाख नौकरियां जो पेंडिंग में पड़ा हुआ है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने छीन लिया था, जब उनसे छीन करके हम नौजवानों को देंगे, तब उनके चेहरे पर खुशहाली आएगी और फिर भारतीय जनता पार्टी की शक्ल बदल जाएगी। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि अरविंद राजभर पिताजी की उंगली पकड़ के आए हैं। मैं पिताजी की उंगली पकड़ के नहीं आया हूँ, पिताजी का आशीर्वाद लेकर के आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी जानते हैं क्या है? भारतीय जुगाड़ पार्टी है, भारतीय जुमला पार्टी है, भारतीय झूठ पार्टी है। उनके पास झूठ के अलावा कुछ भी नहीं बचा हुआ है। काम तो कुछ किया नहीं उन्होंने, तो फिर बखान क्या करेंगे? तो वो काम नहीं किया इसलिए बखान नहीं कर रहे हैं, अब इसके अलावा क्या नहीं होगा? भाई, पिता हमारे ओम प्रकाश राजभर हैं, उनके हम पुत्र हैं। जब हम पैदा हुए तो मेरे पिताजी ने ही हमारी उंगली पकड़ के चलना सिखाया, और हमारे इतने सारे कार्यकर्ताओं ने हमको आशीर्वाद दिया, हमारा मार्गदर्शन किया। अपने एक एक कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद और उनके मार्गदर्शन में चल करके आज अरविंद राजभर खड़ा हुआ। परिवारवाद पर आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा परिवारवाद कहाँ है भाई? भारतीय जनता पार्टी मेरे, हम तो अभी पीछे रह गए भाई, अखिलेश जी पीछे रह गए। राजनाथ सिंह के दोनों बेटवा चुनाव लड़े थे वहाँ, राजनाथ सिंह के दोनों बेटवा चुनाव लड़े थे वहाँ। ये तो कोई जवाब नहीं हुआ ना कि वो भी है यहाँ भी। राजनाथ सिंह के दोनों बेटवा चुनाव लड़े थे, एक मतलब फिर पंकज और नीरज जो है राजनाथ के लड़के नहीं है, उनके परिवार के नहीं है। अमित शाह का बेटा किसका चेयरमैन है? अगर परिवारवाद की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है, बल्कि हमारे पार्टी में नहीं, समाजवादी पार्टी में कुछ नहीं है। यहाँ उनकी पार्टी हो सकती है, ये हमारा परिवार है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी परिवार है, और परिवार में सबका सम्मान और सबका अधिकार है। अच्छा, ऐसा भी है क्या कि आपके यहाँ कैंडिडेट घोषित होने से कुछ यादव जो लोग लड़ाई में थे कि हमको भी टिकट मिल जाए, उन लोगों के बीच नाराजगी है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। लक्ष्य एक है अर्जुन की तरह, जो रथ है इस महाभारत में, जो इंद्र भगवान के द्वारा दिया गया है रथ उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए, अखिलेश जी को उस रथ का सारथी ओम प्रकाश राजभर है, और अखिलेश जी इसमें अर्जुन की भूमिका में हैं, और जो अर्जुन की भूमिका में हो गया है
और उनके साथ साथ जितने लोग हैं, हम सब लोग एक साथ है, कहीं कोई विरोधाभास नहीं है, समस्त यादव कुल हम लोगों के साथ खड़ा है उत्तर प्रदेश में खदेड़ा करने के लिए, अखिलेश जी को सीएम बनाने के लिए। आज से 2-3 दिन पहले जो हुआ यहाँ पे बनारस में आपके नामांकन के समय क्या था? ये लोकतंत्र पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिया गया एक दाग था, आचार संहिता को चैलेंज करने वाला एक कार्य था। भारतीय जनता पार्टी अपनी हार से इतनी परेशान हो चुकी है, उसको लग गया है कि पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर ही एक ऐसा व्यक्ति है जो सरकार बना के दम देगा, और ओम प्रकाश राजभर की बढ़ती हुई शान, ओम प्रकाश राजभर की बढ़ती हुई ताकत, ओम प्रकाश राजभर की बढ़ती हुई लोकप्रियता से भारतीय जनता पार्टी आहत है, वो लौट चुकी है, वो लौट गई है। मरता क्या नहीं करता, जिस दिए को बुझना होता है भभकता बहुत ज्यादा है, और सरकारी गुंडे थे जो गुंडाई पर उतारू हो गए थे। भारतीय जनता पार्टी का बुलडोजर और भारतीय जनता पार्टी का जो मुकदमा, ये सब के सब खत्म हो चुके हैं, सबका सब सिद्धांत उनका खत्म हो गया है, बस एक ही बचा था कि ओम प्रकाश राजभर के गिरेवान पर हाथ डालना। ये तो मेरे लिए एक सही काम हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे नेता के ऊपर हाथ डाल दिया है जिस नेता को पूरा देश देखता है। पहली चीज, उत्तर प्रदेश की जनता ने उस दिन की घटना से एक सीख लिया है कि ओम प्रकाश राजभर के गिरेवान पर हाथ नहीं डाला गया, अरविंद राजभर को गोली मारने की धमकी नहीं दिया गया, ये माननीय अखिलेश यादव के गिरेवान पर हाथ डाला गया है, और समस्त वंचित पिछड़े दलित अल्पसंख्यक सामान्य वर्ग के जितने गरीब परिवार के लोग हैं उनके गिरेवान पर हाथ डाला गया है, उनको गोली मारने की धमकी दिया गया है। जनता आक्रोशित है और जनता आक्रोश को अपने 7 तारीख को ईवीएम मशीन में चुनाव चिन्ह छड़ी का बटन दबा के दिखाया। बीजेपी के लोगों का कहना है कि हमने इतना अनाज दे दिया है कि गरीब वर्ग पूरी तरह से हमारे साथ। बात सही कह रही है वो, गंगा में जब कोनो चूहा मरे लगेला तो ओके जिंदा करे खातिर गोबरे में डाल देवल जाला कि 2 घंटा जी। जिस प्रकार से भूखमरी है, ये बीजेपी वाले 5 किलो राशन दे करके पूरा डीजे बजावत हो कि हम राशन दे दें। आप पूरे उत्तर प्रदेश के किसी गांव में चले जाइए, आप खाली उससे पूछ लीजिए कि 5 किलो राशन में क्या परिवार चलने वाला है, वो आपको तुरंत जवाब दे देगा कि योगिया के ललका सांड और करीवा सांड से हमने तो परेशान रहनी है, भाजपा वाले योगी का ललका सांड और करीवा सांड भेज के तो अनाज को खिया देते हुए, अब 5 किलो राशन दे करके हमने चाहते हो कि जियत रही, तई होए वाला ना हो। अखिलेश जी की सरकार आएगी, समाजवादी थाली का प्रावधान तैयार किया गया है, जो पूर्व की व्यवस्थाएं रही हैं, 10 किलो चीनी, 10 लीटर मिट्टी का तेल, 35 किलो चावल, 35 किलो गेहूं और उस पे दाल और चना, जितना भी पौष्टिक आहार है उत्तराखंड के तर्ज पर जितना भी पौष्टिक आहार है उत्तर प्रदेश की जनता को देने का प्रयास किया जाएगा। हम पिछले दिनों आपके पुश्तैनी घर गए थे। जी, पुश्तैनी गांव में आपके बड़े पिता वगैरह लोग मिले थे वहां पे, वहां एक स्कूटर था, उस वीडियो को बहुत सारे लाखों लोगों ने देखा और सबने उस स्कूटर पे कमेंट किया था, आप भी उस स्कूटर में चलाया गया? एकदम, मैंने खुद चलाया है। अच्छा, मैं जब ड्राइवरी सीखा, हालांकि मेरे पिताजी पहले से ही जब पढ़ते थे तभी ड्राइवर थे, ये भी पता चला। हाँ, वो ड्राइवर थे, टेम्पू चलाते, फूलपुर और सिंधोरा वो जीप चलाते थे, टेम्पू चलाते थे, फिर यहाँ भोजू भी, हमारे बनारस में भोजू भी रहे, एक यादव जी थे। देखिए अब यादव जी की बात आ गई, यादव जी की जीप थी उसी को बाबूजी भोजूपुर से सिंधोरा चलाते थे, और आज हम यादव जी का मतलब साइकिल चला रहे हैं इस समय, उस समय बाबूजी जीप चलाए थे, आज हम उनकी साइकिल चला रहे हैं, और बाबूजी ने बड़ा संघर्ष किया है। उस स्कूटर से ही जब मैं पहली बार उस स्कूटर को लिया, मैं ड्राइवर नहीं जानता था, मैं 4 व्हीलर चलाना जानता था, एम्बेसडर कार में चलाता था अपना, और उसके बाद जब मुझे बाइक चलाना हुआ तो हमारे एक भाई हैं आशीष, यहीं पर हमारे साथ हैं, उन्होंने हमको डरा दिया था, हमारे गांव के हमारे चाचा ने डरा दिया था कि स्कूटर चलाओगे तुम्हारा पैर कट जाएगा, गिर जाएगा, तो हम कहे कि नहीं अब इसको चला के ही मानेंगे। मैं स्कूटर पहली बार में बाबूजी की स्कूटर लिया, बाबूजी कहे कि चला के देखो चल जाता है, मैं पहली बार चलाया, चलाते हुए पूरा गांव छान दिया, एक दूसरा मोटरसाइकिल गिर गया था एक पुल के किनारे, हमारा पूरा गांव टूट पड़ा कि अरविंदवा गिर गया। हमारा घर का नाम टीपू है, मेरा घर का नाम टीपू सुल्तान है, अखिलेश यादव का नाम भी टीपू सुल्तान है, मेरे भी घर का नाम टीपू सुल्तान है, उनका नाम टीपू सुल्तान है और हमारा भी नाम टीपू सुल्तान है। तो लोगों ने कहा कि टीपुआ गिर गया, सब पूरा गांव टूट पड़ल। हम गए चितौरा, हमारे गांव के बगल गांव है, वहां से पूरा घुमा के लेके आ रहे हैं, देखे बड़ी भीड़, तो हमके माजरा कहाँ है, लोग देखेंगे तो चलावा था और वहां गिरा था कोई और। तो स्कूटर वो हम लोगों के जीवन का एक अभिन्न अंग रहा है, वो सिर्फ गाड़ी नहीं है, वो हमारे संघर्ष का साथी, हमें समय नहीं मिल पा रहा है उसको हम म्यूजियम में अपने रखेंगे। अच्छा, आपके जो प्रतिद्वंदी है, आप किसको प्रमुख प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं, अनिल राजभर को या फिर किसी और? बीजेपी को, व्यक्ति विशेष से कोई, मैं बताया ना
कि वो चिरपुट मंत्री हैं, अनिल अग्रवाल चिरपुट मंत्री हैं। अगर वो मंत्री होते तो ये इतनी जनता जो है आज गांव-गांव से खदेड़ा नहीं करती। आज अरविंद राजभर को इतना समर्थन क्यों मिल रहा है? क्योंकि हमने जनता के लिए मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, जनता के द्वारा, जनता के लिए जो हमने वादा किया था भाजपा ने उसको पूरा नहीं किया, हमने मंत्री पद से इस्तीफा दे हचाक दे, और जो हमने खाके छोड़ दिया अब उसी थाली में वो बेचारा खा रहा है। तो ये बताइए जूठन कौन खाता है? जो पूर्व की परंपराएं लोगों ने दे रखा है जूठन वही खाता है जो मेहनत मजदूर, जो मजदूरी करता है, जो लोडर लोग होते हैं। तो ये बीजेपी का लोडर है तो जूठन खा रहा है। अच्छा, ये आपके परिवार का एक शब्द, नया शब्द इन्होंने निकाला लोडर। लोडर को थोड़ा आसान भाषा में समझाइए क्या है जो लोडर है। जैसे कि भटवा पर लोडर लोग नहीं है, जैसे अगर आप लीडर बनने का प्रयास करेंगे, सारी आबा काबा लेकर के लीडर बनेंगे और अपने हक इष्टाधिकार की बातें नहीं कर पाएंगे, अपने हक इष्टाधिकार की बातें नहीं कर पाएंगे तो आप क्या हुए? आपका बस वही काम है, दिन भर धांगते रहो, घूमते रहो, मिलना जुलना कुछ नहीं है। अपना काम बनता भाड़ में या जनता, तो ये ना लोडर है। अच्छा, उनके पास तमाम संसाधन, ढेर सारी गाड़ियां मैंने देखा उनके काफिले में, बहुत सारी गाड़ियां हैं, और आप लोग दो चार गाड़ी चल रहे हैं। अरे हमारे पास इतनी बड़ी जनता है भाई, उनके पास गाड़ी हो सकती है, मेरे पास जनता की जनता है। जनता और गाड़ी में जमीन आसमान का अंतर है। ये चाह जाएं अगर खाली मेरी जनता चाह जाए तो हजारों गाड़ियों की लाइन लगा देंगे। गाड़ी महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि इस जनता की उम्मीदों पर कौन खड़ा हो रहा है, इनके हक हिस्साधिकार मान सम्मान स्वाभिमान की बात कौन कर रहा है, ये महत्वपूर्ण है। वो कौन सा मुद्दा था जिस पर आपने इस्तीफा दिया था? सबसे बड़ा मुद्दा था सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट। जिस प्रकार से आरक्षण लूटा जा रहा था हम लोगों का, जो वैकेंसियां थी उसमें पक्षपात किया जा रहा था, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार का माहौल आज थानों पर, तहसीलों पर जिस प्रकार की धन उगाही हो रही थी उससे हम लोग चाहते थे कि निजात हो। गरीब बेचारे पीटे जा रहे थे, सरकारी आदेश था, जो बेचारा अपना घर द्वार कैसे कैसे बना लिया, वहाँ लेखपाल ने रिपोर्ट लगा दिया कि तो भीटा पर हैं, तो पोखरी पर हैं, तो चरागाह पर हैं, सरकार ने आदेश दे दिया कि नहीं सबका घर गिरा दो। अरे बेईमान, जब तुम घर नहीं दे सकते तो तुमको अधिकार भी गिराने का नहीं। अरे आप ऐलान कर देते उन लोगों के लिए, हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे अंतिम पंक्ति पर बैठे हुए व्यक्तियों के लिए, जो भूख से बेचारे तड़प के मर रहे थे उनकी बात कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं जो लचर थी, गरीबों को अच्छी दवाई नहीं मिल पा रही थी, अच्छे इलाज नहीं मिल पा रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में जो भी हॉस्पिटल है उसमें सभी लोगों का इलाज निःशुल्क कर दीजिए, सरकार का पैसे कमी नहीं है। सरकार ने सारा पैसा तो मंदिर में झोंक दिया तो विकास कहां से कर पाएंगे। हम लोगों का विरोध इसी चीज से था कि हम लोगों ने जो वादा किया था सामाजिक न्याय समिति रिपोर्ट लागू करने का, जातिगत जनगणना करने का, घरेलू बिजली माफ करने का, लघु और कुटीर उद्योग स्थापित करने का, उत्तर प्रदेश में रोजगार सृजन करने का, पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार देने का, 69,000 शिक्षक भर्ती करने का, 68,500 शिक्षक भर्ती पूरी करने का, आर्मी की भर्ती करने का, शिक्षक की भर्ती करने का, हॉस्पिटल में डॉक्टर की भर्ती करने का, नर्स की भर्ती करने का, और इसके साथ साथ गाँव में जो सफाई कर्मी थे उनकी भर्ती करने का, और कोरोना काल में जो बेचारे एम्बुलेंस चला रहे थे 6,500 नौकरी योगी जी ने ले डूबा। हम लोग चाहते थे कि और एम्बुलेंस हो जाए ताकि सुदृढ़ तरीके से, समुचित तरीके से और आसान तरीके से गरीबों को दवाई मिल सके। आर्मी की भर्ती तो आपके हाथ में नहीं है, खाली जुमला दे रहेगा। दौड़ कौन करवाएगा, परमिशन कौन देगा? आज गाजीपुर चले जाइए, दौड़ा लेंगे लोग, दौड़ते दौड़ते बेचारे लोहा हो गए, आर्मी की भर्ती नहीं आई। अनुमति तो दिए उस जो प्रावधान है अंडर सेक्शन 35(6) में, जो 35(c) में जो प्रावधान है उसको ये अनुमति तो दें। कहे नहीं होगा, सिपाही की भर्ती नहीं हो पाई। यही हमारे बगल में पुलिस लाइन है, गाजीपुर बलिया के यादव आते थे, पुलिस लाइन के दीवार को ढकेल के जाते थे। क्यों जानते हैं? क्योंकि पुलिस की भर्ती निकलती थी और भर्ती में आने वाले लोगों की संख्या बहुताय होती थी। अखिलेश जी ने इस बात को समझा था, उन्हें खूब चाप के भर्ती निकाल दिया था योगी सरकार ने। भर्ती तो निकाली अगर जा रही है तो पहले ही प्लान हो जा रहा है कि पेपर आउट कैसे होगा और किस दिन होगा। आप बताइए, दुल्हा बारात लेके गया हो अपने ससुरारी, ब्याह हो रहा हो और तब तक बिछड़े में से हल्ला मच जाए और अगुआ कह दे कि ऐसा ना हो कि तुहार ब्याह ना हो, बताओ मारी मारा ना हो। जैसे योगी जी यूपी टेट 2021 की परीक्षा में बच्चे चले गए, क्लास में चले गए, 45 मिनट का पेपर वो दे दिए, देने के बाद योगी जी गाजियाबाद से हल्ला मचा दिए, मंच पे खड़ा हो गया, ऐसा है यूपी टेट का पेपर रद्द किया जाता है। अब बताइए मारी मारा नहीं होगा? जब ब्याह में लड़का का शादी ना हुई तो मारी मारा हुई। उसी प्रकार से बच्चा एग्जाम दे रहा है, 45 मिनट का एग्जाम दे चुका है और सरकार कह रही है कि एग्जाम नहीं होगा, बताइए मारी मारा नहीं होगा? लोग लाठी लेके खोज रहे हैं,
संजोग से हम छड़ी थमा दिए हैं लोगों को। अच्छा एक बात बताइए, आपको अगर शिवपुर की जनता मान लिया जाए कि चुन देती है, आप यहाँ के लिए क्या करेंगे? बताएं क्या करेंगे, विधानसभा की बात बताएं क्या करेंगे। सबसे पहले शिक्षा में सुधार लाएंगे। भैया जी हम लोग कहते कहते थक गए भारतीय जनता पार्टी से कि सरकारी स्कूल का कायाकल्प करो। बच्चे आज भी टाट पर बैठ के पढ़ रहे हैं, उसको हटाओ, कुर्सी मेज का व्यवस्था करो, प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करो, स्कूलों में कंप्यूटर दो, जो टीचर हैं उनको पढ़ने की गाइडलाइन दो, और जब सरकारी विद्यालय कॉन्वेंट के तर्ज पर बनेंगे तब उसमें अच्छी पढ़ाई होगी। जब गरीब और अमीर का बेटा एक साथ पढ़ेगा तो शिक्षा के व्यवहार में परिवर्तन होगा। मैं यहाँ से चुनाव जीतते ही सरकार बनाते ही पूरे शिवपुर विधानसभा के समस्त सरकारी स्कूल को सबसे पहला काम किया जाएगा, कॉन्वेंट स्कूल के तर्ज पर उसको बनाया जाएगा। इसके साथ साथ सरकार में कानून बनवाएंगे हम कि जो सरकारी विद्यालय हैं पढ़ाई वहाँ हम अच्छी दे रहे हैं तो सभी लोगों को वहाँ पढ़ना अनिवार्य होगा, और जो भी बच्चा सरकारी स्कूल में कक्षा 1 से 5 तक पढ़ेगा उसके बाद चाहे प्राइवेट स्कूल में चाहे जहाँ पढ़ता है, ये तय करेंगे कि 60 और 40 का रेशियो रखेंगे। 60% प्राइवेट विद्यालय अपने बच्चों को रखें लेकिन 40% सीट रिजर्व होगा प्राइवेट संस्थानों में, प्राइवेट स्कूलों में 40% सीट रिजर्व करेंगे। जो सरकारी स्कूल से बच्चे पढ़ करके जाएंगे गरीब के, उनको वहां स्थान दिया जाएगा, वो जितना पढ़ना चाहते हैं उनका सारा खर्चा, 40% सीट का सारा खर्चा पढ़ाई का माननीय हमारे अखिलेश यादव जी देने का कार्य करेंगे। ये रिकॉर्ड है सब कुछ, सब रिकॉर्ड आप करिएगा। मैं एक चीज़ और रिकॉर्ड में करवा देना चाहता हूँ, हमारा BHU अस्पताल है, बिहार से कहाँ से लोग आके एडमिट हो जाते हैं, हमारे शिवपुर के बेचारे सब उसी तरह टुक 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 देखते रह जाते हैं, बेड वेड मिलता नहीं है, प्राइवेट अस्पताल में जाके भर्ती हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। रिकॉर्ड में कह रहा हूँ मैं, सरकार बनते ही यहाँ शिवपुर विधानसभा में उचित स्थान दे करके मिनी PGI मैं स्थापित कराऊंगा ताकि यहाँ के लोगों का यहाँ इलाज हो सके। यहाँ पर यहाँ के जो रास्ते हैं, यहाँ के जो नाली हैं, मैं एक गाँव में गया हुआ था, मैं देखा कि छोटे छोटे बच्चे, हमको लगता है कि करीब करीब 8 महीना 10 महीना 12 महीने के बच्चे ऐसे ही गंदी नाली के बगल में खेल रहे थे, ऐसे लौटाए गए थे, अब पूरा उसका पूरा दुर्गंध उनके यहाँ आ रहा था। मैं देख करके वहीं धमक गया, मैं देख के मैंने विचार किया, हमने कहा कि अगर इसकी साफ सफाई सही तरीके से कराई जाए और व्यवस्थाएं ठीक ठाक कर दी जाए, इसको ठग दिया जाए, उस प्रकार का ढलान बनाया जाए कि पानी इसमें न रुके, और जो सफाई कर्मी है अगर 1-2 लगे हुए हैं तो 4-4 सफाई कर्मी लगा दिया जाए ताकि गाँव के नालियों की सफाई हो सके और पानी बाहर निकलने का व्यवस्था हो सके। उससे बच्चे जो है बीमार नहीं होंगे, वो उनकी जो पोषण की शक्ति है वो बढ़ेगी, हमारी सरकार पौष्टिक आहार उनको देगी कि वो ठीक ठाक रहें, मानसिक तौर पर शारीरिक तौर पर वो ठीक ठाक रहें, डायरिया के शिकार ना हो। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पे भारतीय जनता पार्टी ने ध्यान नहीं दिया था, रिकॉर्ड कर लीजिएगा इसको। अच्छा ये जितनी बातें आपने कही ये सब करने के लिए कितना समय चाहिए? मैं युवा हूँ, देश का इतिहास, जब देश गुलाम था तो महात्मा गांधी साहब चिट्ठी लिखते थे, लाला लाजपत राय साहब चिट्ठी लिखते थे, बाल गंगाधर तिलक चिट्ठी लिखते थे कि हे भैया देश को आज़ाद करो, हटो तुम लोग, जाओ यहाँ से, बड़ा हो गया। 1885 में एलन एक्टोरियन ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना किया, 1885 से 1905 तक लगातार चिट्ठी पर चिट्ठी लिखी गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। जब शहीद भगत सिंह जी जिंदा पैदा हुए, चंद्रशेखर आज़ाद, दामोदर चापेकर, सर सैयद अहमद खां, अशफाक उल्ला खां, गाजीपुर का वीर जब तैयार हुआ, कहा कि नहीं आप नरम दल और हम गरम दल, आप चिट्ठी से काम करो, हम तो तोप और गोली से काम करेंगे, तो हम युवा हैं भैया, हम गरम दल वाले हैं, भैया से भी लड़ जाते हैं, अखिलेश भैया से भी लड़ जाते हैं। ये सारी बात मैं क्यों कर, जानते हैं, मई से गठबंधन की बात मैं कर रहा था, ये सारी बात करने के बाद तब मैं आया हूँ क्षेत्र में, और दो से तीन बार भैया का फोन आ जाता है, क्या चल रहा है, हम कहे कि लोग मिनी PGI मांग रहे हैं, फिर पूछते हैं क्या हो रहा है, हम कहे लोग स्कूल का कायाकल्प करना चाहते हैं, कहें चाप के चुनाव लड़ो, तुम युवा हो, दोनों लोग मिलकर सरकार चलाया जाएगा और ऐसा विकास किया जाएगा उत्तर प्रदेश में कि ये 5 साल का विकास आगे 50 साल तक याद किया जाएगा। जितने वादे आपने किए इन सबको धरातल पे लाने के लिए कम से कम शुरू करने के लिए कितना समय चाहिए? 6 महीना के अंदर सब दिखे लगी। 6 महीने बाद हम फिर से अरे एकदम हमसे तू संपर्क करिए भैया, जहाँ का वही खड़ा हो जाए, यही आज शिवपुर में 6 महीना के अंदर दिखे लगे यहाँ पर कि का कुछ होत हुआ, का कुछ होने वाला है, क्योंकि जनता की खुशहाली प्रथम प्राथमिकता है। आज हमारे बेचारे देखिए यहाँ जितने युवा साथी हैं इनके चेहरे की रौनक खत्म हो गई। अभी इस बार ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 27% नौजवान है जो 18 से 35 साल की उम्र है वो वोट करने वाले, आप उनके लिए क्या कहें? 22.5% पर सरकार बदल जाती है,
पूरे वोट के बाद 22.5% वोट उत्तर प्रदेश में ऐसा है जो सरकार का तख्ता पलट कर देता है, और आप 27% कह रहे हैं। ये 27% के चेहरे पर जरा इनके रौनक को देखिए, इनकी आंखों को देखिए, और इनके हाथ की लकीरों को जरा देख लीजिएगा। ये नौजवान देश का भविष्य है, ये नौजवान प्रदेश का भविष्य है, ये नौजवान युग पुरुष कहा जाता है, ये नौजवान राजनीतिक व्यवहार, हर सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवहार को बदल कर रख देता है, ये भूगोल बदल देता है, इतिहास बदल देता है। आज इस नौजवानों के चेहरे पर बेबसी और लाचारी दिख रही है, क्रांति नहीं दिख रही है, बेबसी और लाचारी दिख रही है। हम जैसे युवा इनके अंदर क्रांति पैदा कर रहे हैं कि क्रांति लाओ उत्तर प्रदेश में, और क्रांति ला करके देश का इतिहास बदल दो और प्रदेश का इतिहास बदल दो, और ऐसे जुमलेबाजों को सबक सिखा दो कि तुम्हारा उत्तर प्रदेश में काम होने वाला नहीं। तो ये हमारे साथ